चलिए आज फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन से पहले कुछ बेसिक सब आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक क्या है, जैसे मान के चलिए रूट, रूट जो होता है ना, ये रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए रूट 9 का स्क्वायर रूट, तो ये सिर्फ 3 होगा, ठीक है। अगर यही चीज 9 का स्क्वायर कितना रूट किया, 3। अगर जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अगर यही एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, ठीक। तो ये रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अगर वही चीज रूट के अंदर 9 है, तो ये माइनस 3, मतलब ये 3 और पीछे माइनस, तो माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड, रूट के अंदर जो भी एफएक्स यानी कोई भी फंक्शन हो रूट के अंदर, एग्जिस्ट ओनली एफएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। रूट एफएक्स एग्जिस्ट ओनली कितना, एफएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये कब एग्जिस्ट होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। अगर इसको फैक्टोराइज करेंगे तो एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड होगा, माइनस 4 और 4, तो नंबर लाइन पर रखेंगे माइनस 4 और 4। यहाँ अल्टरनेट साइन रखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये आपको इनइक्वालिटी में बताया है। ये टाइप का क्वेश्चन सब इनइक्वालिटी का रूल से चलता है। तो यहाँ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से इन्फिनाइट, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये इधर माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक आया, 4 तक, ठीक है। और यहाँ फिर यूनियन 4 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू। तो ये दो पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये जो होता है, तीसरा पॉइंट, एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 6 अप टू एक्स पे पावर 12, ये सब हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है ये सब। जैसे एक्स के जो भी नंबर रखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, हमेशा क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। ये भी पॉजिटिव बना देगा, मतलब सारा क्या आएगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, ओनली फॉर पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर इसी को 4 पॉइंट में 2 पे पावर एक्स कर दो, 3 पे पावर एक्स, 4 पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स, तो ये सारा फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और फंक्शन का मतलब ये निगेटिव, यानी इसमें जो है ना 2 पे पावर एक्स, 3 पे पावर एक्स, 4 पे पावर, तो ये अपने आप में पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब जैसे 2 पे पावर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, 3 पे पावर एक्स या 4 पे पावर एक्स ग्रेटर देन 0 सब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 पे पावर एक्स इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 पे पावर एक्स इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन निकालना है, तो इसका नो सोल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 पावर एक्स ये पॉजिटिव होता है, और ये तो जब ये 2 पावर एक्स ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा होता है, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए नो सोल्यूशन। अगर यही चीज 2 पे पावर एक्स इक्वल टू माइनस 1 कर देते हैं, तो इसका भी नो सोल्यूशन, क्योंकि जब ये एल एच एस पॉजिटिव है तो आर एच एस निगेटिव है। तो जब ये 2 यानी 2 पावर एक्स 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव हमेशा होगा, तो ये निगेटिव कहाँ से आएगा आर एच एस, तो नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये सब था क्या, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, इसमें 0 से बड़ा और इसमें 0 के बराबर और 0 से बड़ा, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट, ये जो मोड एक्स है, मोड एक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, मोड एक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब मोड एक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मोड एक्स इक्वल टू इज पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसके अंदर जो भी नेगेटिव नंबर रखते हैं हमेशा पॉजिटिव बना देता है, ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डेटा पॉइंट पर चलेंगे, इफ सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी
इक्वल टू जीरो देन देन ऑल इक्वल जीरो, मतलब दो या दो से अधिक पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो है तो प्रत्येक को जीरो बना सकते हैं। जैसे रूट के अंदर यू आ गया, ठीक है, प्लस मोड के अंदर भी आ गया, प्लस ये डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो रहेगा। तो यहाँ से यू बराबर भी बराबर डब्ल्यू बराबर जीरो कर सकते हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जो दो या दो से अधिक पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो हो तो प्रत्येक को इक्वेट में जीरो रख सकते हैं। जैसे यू बराबर जीरो, भी बराबर जीरो, डब्ल्यू बराबर जीरो। जैसे एग्जाम्पल में रूट के अंदर एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स माइनस वन, ठीक, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से इसको एग्जिस्ट करवाएंगे तो एक्स इक्वल टू वन आएगा एंड एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू कितना आया, वन आ गया, ठीक है। अगर यही नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे रूट के अंदर एक्स माइनस एक्स प्लस वन प्लस मोड के अंदर एक्स प्लस वन, ठीक है, या एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू कितना, इसको इक्वेट करेंगे तो वन, तो ये माइनस वन और ये वन, तो दोनों में कॉमन वैल्यू नहीं मिला तो इसका नो सोल्यूशन होगा, यानी नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि कॉमन वैल्यू इसमें नहीं है, ये अलग आंसर दिया, ये अलग आंसर, और इसमें दोनों में कॉमन वैल्यू है इसलिए वन सोल्यूशन, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पॉजिटिव क्वांटिटी का सम अगर जीरो हो तो प्रत्येक का इक्वेट में जीरो करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सेवन पॉइंट क्या है, कंपेरिजन का मतलब तुलनात्मक, ठीक है। ऐसे तुलनात्मक क्या होता है, इक्वेट कर देना, ठीक है। जैसे मान के चलिए y इंटू ई पी पावर x इक्वल टू वन है, फाइंड x और y की वैल्यू फाइंड करना है, और ये है तो इसी को बोलते हैं तुलनात्मक, मतलब इधर दो टर्म है, इधर एक ही टर्म है, तो इसको भी दो टर्म बनाएंगे, और दो टर्म किसके आधार पर बनाएंगे, इसके आधार पर। जैसे y इंटू ई पी पावर x इक्वल टू में वन इंटू ई पी पावर जीरो, ऐसा आधार बनाएंगे जो इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि वन है तो इसको इक्वेट करके इक्वेशन करके कुछ और वैल्यू आ गया, मतलब ये वन का वन ही रहेगा और इसके बेस पे बना देना है। तो यहाँ से देखिए ये ई पी पावर एक्स है तो इसको ई पी पावर जीरो, मतलब ई पावर जीरो का वन, और ये वाई है तो इसके बगल में क्या वन चिपका दिए, मतलब इसको इक्वेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसके साथ कंपेयर होगा और ये इसके साथ कंपेयर होगा, तो यहाँ वाई की जगह कितना आ रहा है वन, एंड एक्स की जगह कितना आ रहा है जीरो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो गया, तो यही कंपेरिजन होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस वन इंटू एक्स इक्वल टू में अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें अल्फा की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से देखिए ये अल्फा की वैल्यू, तो इसमें अल्फा प्लस वन इंटू एक्स की वैल्यूबल वन है, वन एंड एक्स की डिग्री वन है, और यहाँ एक्स की डिग्री दो है और वन है, तो यहाँ से देखिए x की डिग्री दो है, इधर दो नहीं है, तो इसके बगल में एक्स स्क्वायर कर दिए प्लस अल्फा वन इंटू एक्स कर दिए बराबर में अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर दिए, इसमें कंपेयर होगा क्योंकि x के कोएफिशिएंट में ये है और x के कोएफिशिएंट में वन है, ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं था तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसके आधार पर। तो यहाँ से ये और ये इसके इक्वेट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना आ गया जीरो, ठीक है, और ये x और ये x कंपेयर होगा तो अल्फा प्लस वन, इसके x का ऑप्शन में वन, यहाँ भी अल्फा की वैल्यू जीरो, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया जीरो आंसर। तो ये क्या बोलता है, एलिमेंट ऑफ सेट ए टू दी यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब आप रिलेशन पढ़े हैं, रिलेशन में सेट के बारे में पता होगा, सेट क्या होता है, तो वही चीज ईच एलिमेंट का मतलब प्रत्येक एलिमेंट किसका, सेट ए का, टू द यूनिक एलिमेंट और किस में बनाएगा, सेट बी में, इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट कुछ ना कुछ उसमें इमेज बना देगा, वो सेट बी में वो फंक्शन कहलाएगा, और फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे एफ सच डैट ए टेंस टू बी, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय फंक्शन एफ सच डैट, इसको एफ से फंक्शन सच डैट ए टेंस टू बी, ठीक है, तो ये फंक्शन का हो गया। जैसे मैं
इसमें एफ नाम का मशीन है, एफ नाम का मशीन का मतलब फंक्शन, इसके अंदर एक्स नाम का आदमी को रखते हैं, एक्स इनपुट रख दिए। तो ये एक्स नाम का एफ नाम के मशीन में एक्स रखे तो ये दोनों मिलाकर के क्या बना देगा, एफ एक्स बना देगा। और ये एफ एक्स बना दिया तो अपने आप में वाई बराबर एफ एक्स कहलाएगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स। तो ये एक्स अपने आप में इनपुट था, इनपुट है, यानी इनपुट डाले तो क्या निकला, आउटपुट निकला, ठीक है, इनपुट तो ये क्या निकला, आउटपुट, ठीक है। तो यही फंक्शन कहलाता है, मतलब कुछ डालेंगे इमेज इनपुट में तो आउटपुट कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो ये ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, रिप्रेजेंट करेंगे एफ सच डेट ए टेंस टू बी, यानी एफ नाम का मशीन है, यानी एफ कोई मशीन है, उसमें एक्स को रख दिए तो ये मिला करके एफ मशीन क्या किया, इसको मिला करके क्या बना दिया, एफ एक्स बना दिया। और ये वाई के बराबर एफ एक्स कराए, जो वाई क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। वाई क्या, वाई बराबर एफ एक्स का मतलब वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या होता है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। जैसे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए में ए बी सी डी कुछ एलिमेंट रख दिए, इसमें भी कुछ सेट बी में रख दिए, वन टू थ्री जो भी हो, तो ये जो एलिमेंट है इसके साथ, ठीक है, ये भी इसके साथ इमेज बना दिए, ठीक है। तो ये सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट कुछ ना कुछ क्या बना दिया, इमेज बनाई, किसमें, सेट बी में, तो फंक्शन कहलाया। मतलब इधर का एलिमेंट छूट जाए तो चलेगा, बट इधर का एलिमेंट नहीं चुना, क्यों, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट कुछ ना कुछ इमेज बना देगा सेट बी में, वो फंक्शन फ्रॉम ए से बी तक होगा, क्योंकि मतलब ए से बी की ओर यह फंक्शन, मतलब सेट ए इनपुट हो गया और ये आउटपुट, एफ नाम का मशीन रख दिया, सारा इमेज इसमें बना दिया, ठीक है। तो वही चीज एफ सब्जेक्ट ए टेंस टू बी, और ये एक्स रखे, एक्स का मतलब ये इनपुट रखे, तो ये एफ क्या किया, ये फंक्शन क्या किया, आउटपुट बना दिया, ये आउटपुट बना दिया, जो वाई इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है। ये वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे में वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन हो गया, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये एक्स इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है, ठीक है। तो फंक्शन में ये एक्चुअली फंक्शन का बेसिक था, ठीक है। फंक्शन में आपको डोमेन देखना है, रेंज देखना है, फंक्शन में डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बारे में टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखने के बाद आपको कैलकुलस में जाएंगे, जो लिमिट होगा फंक्शन, यानी लिमिट किसकी निकालते हैं, फंक्शन की। जब फंक्शन के बारे में जान जाएंगे तब लिमिट देखेंगे, लिमिट से क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी से देखेंगे आपको इंटीग्रल, जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन के बाद देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रहेगा, वो सब इंक्लूड करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सब सारा क्या है, कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस से पहले आपको फंक्शन जानना जरूरी है, ठीक है।